तो जी सभी लोग अब निकल रहे हैं और क्रियांश भी जो है जग गया है। ठीक है चलो। बोलो आज आ रहा हूँ मैं शिवांश भाई से मिलने के लिए, उसका बर्थडे है। हम लोगों को 5 घंटा लगेगा ना जी, 5 साढ़े 5 घंटे। शिवांश के पास अब यही लेकर के जाएगा, हम लोग आराम से बैठेंगे। हम लोग जो है कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे रुद्र भाई के यहाँ। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी फिलहाल हम लोग हो रहे हैं तैयार, तो हम लोग जाने वाले हैं जी रुद्र भाई के यहाँ, और हमारा सारा सामान सब तो बिल्कुल तैयार है ही। क्रियांश बस अभी तक सोया हुआ है, तो पहले सोचे कि हम लोग जो है अच्छे से तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जो है क्रियांश को जगाएंगे, फिर क्रियांश को जो है कपड़ा सब पहनेंगे, और अगर लगेगा कि वह गहरी नींद में है तो गहरी नींद में वो गाड़ी में बैठ जाएगा और गाड़ी में उसका कपड़ा चेंज हो जाएगा। और इधर तैयारी चल रही है जी क्रियांश के खाने की, तो यहाँ पर यह बोतल को ढो लिया गया है और इसमें जो है इसका दूध रख दिया जाएगा और एक पानी का बोतल भी लिया जाएगा गर्म पानी, ताकि सही रहेगा वह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो जी सभी लोग निकल रहे हैं और क्रियांश भी जो है जग गया है। सोचे थे कि क्रियांश सोया हुआ रहेगा, इसलिए उसको जो है तैयार भी नहीं किया गया, अब गाड़ी में ही रास्ते में ही तैयार होगा। चलो चल रहे हैं। बाबा को प्रणाम कर लिया, दादियों कर लिया, उसके बाद चलो यात्रा मंगलमय हो, महादेव तुम्हारे साथ चलेंगे। अब जान रहा जा रही, पापा तैयार देख लिया। चलो चलो ठीक है, चलो 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 बैठो बाबू कराइए, बैठो। तो अभी हम सभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और क्रियांश जो अपने बाबा को भी बुला रहा था कि बाबा आइए, और क्रियांश सोया हुआ था, मुझे लगा कि सोए हुए में मैं इसको गाड़ी में बैठा करके गोद में सोए हुए में ले जाएंगे, लेकिन जैसे कि नीचे आया ना वैसे ही इतना एक्साइटेड था, पता है बाबा को प्रणाम कर लिया, दादी को प्रणाम कर लिया, कहता है बाय जा रहे हैं, मतलब गाड़ी देखा कि बाहर निकली हुई है और ये जग गया। कोई बात नहीं, क्रियांश ऐसे ही बैठे रहेगा गाड़ी में, उसके बाद थोड़ी देर में क्रियांश को भी चेंज करवा देंगे। है क्रियांश, 1 hour later। अभी हम लोग पूर्णिया पहुंच चुके हैं। क्रियांश क्या, क्रियांश क्रियांश नाइट ड्रेस में ही आ गया है। तुम नाइट ड्रेस में ही आ गए हो, बताओ अच्छा कोई आता है क्या? कैमरा बंद कर रहा है आजकल, पता है क्या सीखा है, कैमरा फटक से बंद कर देता है, अगर हम ज्यादा बोल रहे हैं इससे ज्यादा मशीन कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, कैमरा ही बंद कर देगा। देखो एक्टिंग मत करो क्रियांश, बहुत एक्टिंग बाज हो गए हो तुम, बहुत एक्टिंग बाज हो गए हो। इसका शक्ल देखिए, भोलेपन पे मत जाइएगा, ये बहुत शरारती हो गया है, बहुत नटखट हो गया है, समझे? जैसे मैं कैमरा ऑन करके इसे कुछ क्वेश्चन करूंगी या फिर बोलूंगी कि क्रियांश पूछी दे दो या कुछ भी कर दो, तो सीधा कैमरा बंद कर देगा, समझता है? मम्मा कैमरा ऑन करके हमको बोलेगी तो कैमरा बंद है क्रियांश। और क्रियांश आज सुबह ही उठ गया, जो कि डेली क्रियांश 10:30 से 11 बजे उठता था क्रियांश। मम्मा सुबह उठा दे तुमको, खुद उठ गई तो बाय है, देख लो बाय बाय कर दो तो सबको। नहीं बाय नहीं, बाय नहीं, आप लोग बोलिए बाय नहीं, हाय हाय। हाँ क्रियांश बोलो, आज आ रहा हूँ मैं अपने भाई से मिलने के लिए, शिवांश भाई से मिलने के लिए, उसका बर्थडे है, बोल दो हैप्पी बर्थडे है उसका, बोलो तो हैप्पी बर्थडे है उसका। अभी भी हम लोगों को 5 घंटा लगेगा ना जी, 5 साढ़े 5 घंटा, आराम से 5.5 घंटा है। अच्छा है कि 4 लेन है, उधर तो जाने का जो है दूसरा भी रूट है, लेकिन दूसरा रूट में क्या है कि किलोमीटर तो कम है, 50 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा, लेकिन 4 लेन नहीं है। तो गूगल मैप में टाइमिंग दिखा रहा था कि इस रूट से ही जल्दी पहुंचेंगे, और गूगल मैप का जो हम टाइमिंग देखे हैं जी, 90% ऑफ द टाइम जो है जो टाइम बताता है वही टाइम रहता है, तो हमारा तो ऐसा ही अनुभव रहा है। बाकी देखिए जी मौसम अभी तक तो साफ है, हम लोग को इस बात का डर लग रहा था कि रास्ते में कुहासा ना मिल जाए, लेकिन नहीं क्लियर है, लेकिन देख सकते हैं साफ है ये चीज। अभी हम लोग आगे जा चुके थे और याद आया कि पेट्रोल पंप के बगल में है, तो घुमा के आया है। बिल्कुल जी, तो पेट्रोल लेना जरूरी है, पहले ले ले ताकि एकदम निश्चिंत होकर के चल सके। पेट्रोल या डीजल? और तुम पेट्रोल पंप बोल रही है तो इसलिए पेट्रोल पेट्रोल मुंह से निकल रहा है। ये लेना है डीजल हम लोगों को, हाँ। और उसके बाद गाड़ी में थोड़ा सा जो है एयर प्रेशर भी चेक करवाना है यहाँ, लेकिन एयर प्रेशर वाला है नहीं, पेट्रोल पंप से पर होता है।
आगे उस भैया को पूछो डीजल लेना है किस साइड। डीजल आगे 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 हाँ। डीजल इसमें 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 यहाँ पे। अब क्रियांश अपना जिम्मा संभालते हुए अब यहाँ से क्रियांश ड्राइव करके ले जाएगा है क्रियांश शिवांश के पास। अब यही लेकर के जाएगा, हम लोग आराम से बैठेंगे हाँ, मौज करेंगे। पीछे चलिए अपना नो बैठेंगे यही ले जाएगा क्रियांश। तुम चलाएगा गाड़ी लेकिन ये क्या करेगा बीच में गाड़ी बंद कर देगा, खोल के देखेगा फिर बंद करेगा। 2300 सुपर कैसे रेट 9947 दे दीजिए भाई। वो क्या होता है जी वो अच्छा क्वालिटी का तेल होगा, देखते हैं क्या फायदा होता है उसका। 2 hours later तो यहाँ पे हम लोग रुक गए और सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया तो मुझे तो भूख नहीं लगी थी बट इनको बहुत तेज भूख लग गई थी जी। और जो है अच्छे से खाना खा लेंगे और छोला भटूरा जो है बहुत मजा आता है तो छोला भटूरा यहाँ पर खा लेंगे। और प्रयास को भी जो है थोड़ा सा हो गया, गाड़ी से बाहर निकल गया क्योंकि ज्यादा देर अगर गाड़ी में रहता है तो वो भी प्रॉब्लम ही हो जाता है क्रियांश के लिए। हाँ, रहता है कि थोड़ा बाहर निकल जाए। और यहाँ पर जैसे आए ना पीछे टीवी देख रहे हैं ना ये पूरा शोर मचा रहा है कि हम स्विच को लगाएंगे टीवी का। अच्छा टीवी है तो इसको जो है यहाँ पर मोबाइल में कार्टून लगा दिए हैं। अच्छा हमारा भटोरा भी आ गया, दिखा दो बार, देखो भटोरा ये है चटनी छोला अचार प्याज और ये है भटोरा। ठीक है और तुम पकड़ो मोबाइल और क्रियांश हम खाते हैं भटोरा जल्दी। ठीक है आप खा लीजिए। A few moments later. थोड़ी खाना पीना हो गया और पेट में जो है थोड़ी सी जान आई है और मुझको जो है भूख के कारण जो है थोड़ा सा लग रहा था कि नींद भी आने लग गई है तो ऐसा कुछ कारण था। इनका कुछ अलग ही होता है, भूख से कुछ लोगों को नींद नहीं आती और इनको भूख से नींद आती है। बिल्कुल थोड़ा सा जो है बोरियत टाइप से लग रहा था और खाने के बाद जो अब लग रहा है शरीर में ताकत है, बहुत अच्छा खासा एनर्जी आ गई है। तो अब जो है मजे में चलते हैं और अब यहाँ से अब कोशिश करेंगे डायरेक्ट मुजफ्फरपुर रुके, बाकी बीच में अगर ये तमाशा कर दिया ये तो रुकेगा तो बीच में रुकना पड़ेगा तो हम लोग जो है रुक जाएंगे। और क्रियांश जैसे ही आता है गाड़ी में जितना गाड़ी में बटन है एसी का हो हीटर का हो हर चीज दबा देता है वाइपर से लेकर सब कुछ तो अभी वही उसका मन है वही कर रहा है क्रियांश। तो सुनो क्रियांश को ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, इसका ये चेंज ही कर दो, अब कर देते यहाँ करेगी कहीं और करेगी थोड़ा कहीं और करते हैं थोड़ा आगे चल के करते हैं कहीं पर। तो क्रियांश का भी ड्रेस चेंज हो जाएगा बीच रास्ते में ही। क्रियांश का जो है ड्रेस चेंज हो रहा है बीच में रुक के। बिल्कुल ड्रेस चेंज हो रहा है और क्रियांश जो है पूरा वाइपर से लेके हर चीज चला दिया है और अच्छा खासा गाड़ी जो है धुल गया है अब जितना भी शीशा है उसका। क्या है देखो बाय कहाँ जा रहा है तुम भाई से मिलने जा रहा है और क्रियांश अभी नंगू पंगू है तो इसको ढके हुए है ना, क्रियांश की भी इज्जत है भाई इंसल्ट हो जाएगा इसको ना। तो ऐसा है जी तो हम लोग जो है चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का जो यह वीडियो है आपको मजा आ रहा होगा। हम लोग अपनी जर्नी भी कर रहे हैं साथ साथ आप लोगों के साथ जो है शेयर भी करते जा रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है जब साथ के जितने भी क्रिएटर रहते हैं सभी लोग आपस में मिलते हैं मुलाकात करते हैं अपनी अपनी यादें सब जो है कुछ शेयर करते हैं कुछ कुछ इनपुट उनसे हमें मिलता है कुछ हमसे उनको मिलता है तो एक दूसरे से हम लोग बहुत सीखते हैं। और देखता हूँ आप लोगों को भी काफी मजा आता है कि जब बहुत सारे क्रिएटर एक जगह रहते हैं आप लोगों को भी काफी अच्छा लगता है हमें भी काफी अच्छा लगता है जिनके हम बहुत अच्छा लगता ही है बिल्कुल जिनके हम सब्सक्राइबर हैं उनको भी देखते हैं आपस में मिलते हुए तो काफी अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम लोग साथ में मिलते हैं ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जी मुजफ्फरपुर है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर और हम लोग जो है थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए जो है यहाँ पर रुक गए हैं आराम आराम से चलते हैं क्योंकि अब बहुत कम ही दूर है और काफी अच्छा लगा जी हंसते खेलते कब पहुँच गए पता ही नहीं चला। और क्रियांश को ये टोपी पहना दो ठंड अच्छा खासा हवा लग जाएगा। ओए ओए ठीक है तो क्रियांश को जी लेके आ गए बाहर ये अपना घूम फिर रहा है। हम लोग जो है कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे रुद्र भाई के यहाँ, जब हम लोग रुद्र भाई के यहाँ जाएंगे वो वाला पार्ट जो है आपको दिखेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस पार्ट को हम लोग जो है यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दें साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हां जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय कर दो।